हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप मेरे सारे 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 फ्रेंड बहुत अच्छे हैं। अभी है इवनिंग की टाइम और जस्ट अभी मैं सो के उठी हूँ और अभिराज का ऑनलाइन क्लास था शाम को 4:30 बजे। क्लास करके अभी पढ़ाई किया और अभी उसको टाइम हुआ है इवनिंग स्नैक्स के लिए। वैसे आज कुछ स्पेशल डिनर करने वाली हूँ तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये देखो क्या कर रहा है ये। तो मैं कहाँ थी? हाँ, तो अभी मतलब मेरा स्किन पूरा ड्राई लग रहा है तो थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, फिर उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ, ठीक है? और इधर अभिराज तो वो मैं चिल्ला रही हूँ, वो मतलब क्या करे, पूरा वार्डरोब पे चढ़ रहा है मेरा। अब इसको भी तो हो जाएगा। देखो मुझे मार रहा है। तो चलो चलती हूँ, फ्रेश हो जाऊँ, फिर उसके बाद देखती हूँ कि ब्रेकफास्ट मतलब इवनिंग स्नैक्स पे क्या खाना है। अंधेरा पूरा एकदम, घर अंधेरा है, थोड़ा लाइट वाइट चला लो। तो चलो अभी फ्रेश हो जाती हूँ, थोड़ा मुंह धो लेती हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ क्या खाएगा। तो अभी उसको देने वाली हूँ टिफिन। तो भी अभिराज को मैंने स्नैक्स दे दिया है, फिर थोड़ी देर बाद वो पिएगा दूध एंड कॉम्प्लान। अभी देखिए टीवी चालू हो गया उसका, बैठा है टीवी देख रहा है और स्नैक्स खा रहा है। तो मैं भी थोड़ा कुछ खा लेती हूँ, स्नैक्स वगैरह, चाय पीना है मुझे। और अभी मैं बैठ गई हूँ मोरी लेके, ये देखिए इतना बड़ा गमला लेके बैठ गई हूँ। एक्चुअली बड़ा मतलब कटोरी और नहीं था, इसीलिए यही ले लिया मैंने। तो अभी खाऊंगी मोरी चना चूर, और अभिराज तो खा ही रहा है और उधर टीवी भी चल रहा है कार्टून। तो चलो कर लेती हूँ फिर उसके बाद। कॉफी के साथ चाय के साथ टाई होता है, बट कॉफी के साथ टॉफी। कॉफी के साथ टॉफी तो पी लूँ, उसके बाद अभिराज को पढ़ाऊँगी, फिर डिनर के लिए प्रिपरेशन करूँगी। मैंने कर लिया है, मतलब कटिंग सब कर लिया है, बस बनाऊँगी। और गाइस ये है मेरा होममेड पनीर जो मैंने घर पे बनाया है, थोड़ा सा ही दूध था तो उससे बनाया। देखिए बहुत ही सॉफ्ट बना है मेरा पनीर, मैंने फर्स्ट टाइम ही पनीर बनाया है, बट अच्छा बना है, ठीक ठाक बना है। आप लोगों भी घर पे बना के खाइए, क्योंकि बाहर का पता नहीं कैसा होता है, तो घर पे बना के खाइए तो अच्छा हुआ है मेरा पनीर। तो अभी मैं इसको कट कर रही हूँ,
कट करके इसके बाद मैं बनाऊंगी चिली पनीर। और यहाँ मैं फ्राइड राइस के लिए जो सब्ज़ी है गाजर फिर कैप्सिकम बीन्स मैंने कट करके रख दिया है, और चिली पनीर के लिए भी मैंने कैप्सिकम और प्याज कट करके रख दिया है। सारे पूरे रेडी है, बस अभी बनाना थोड़ा बाकी है। ये मैंने पहले ही कट कर लिया था तो मैं वो दिखा रही हूँ। इसके बाद इससे मतलब अभी मैं अभिराज को पढ़ाऊँगी, फिर रात को ये तैयार करेंगी। और जो मैं नया जो रेसिपी बनाने वाली हूँ, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, शायद व्हाइट सॉस विथ चिकन, तो चिकन को मैंने यहाँ पे लंबा लंबा करके कट कर लिया है। हे गाइस, तो मैं अभी आ गई हूँ किचन पे। अभी अभी अभिराज का स्टडी ख़त्म हुआ तो अभी मैं बनाऊँगी रात का डिनर, वो भी स्पेशल, बट फर्स्ट टाइम ट्राई। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं बनाऊँगी चिली पनीर। ये है पनीर जो होममेड है, मैंने बनाया है पनीर, तो थोड़ा सा ही बना है, तो इसको मैं अभी बनाऊँगी चिली पनीर। तो आप देखते रहो। तो गाइज यहाँ पे मैंने होममेड पनीर ले लिया है जो जिसका मैं कर रही हूँ मैरिनेशन। मैंने दिया है नमक, फिर लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर का पाउडर दिया है। बस इसको थोड़ा सा ऐसे मखा लूँगी, फिर उसके बाद ऑयल में फ्राई करूँगी। वैसे तो चिली पनीर भी चिली चिकन की तरह ही बनता है, जैसे चिली चिकन हम लोग बनाते हैं वैसे सेम तरीके से ही चिली पनीर भी बनेगा। तो रेडी हो गया है हमारा चिली पनीर। अब हमें जो नई रेसिपी की करना है उसके लिए तैयार कर रही हूँ। तो उसी पैन पे मैं ले लूँगी ऑयल, और ऑयल पे मैं चिकन जो मैंने कट करके रखा था उसको फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने की थोड़ी देखिए कलर चेंज हो रहा है। अब मैं इस पे दूँगी नमक और काली मिर्च देखिए, और थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूँगी ताकि सारी चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए। तो यहाँ पे हमारा चिकन फ्राई हो गया है, मैंने इसको उठा लिया है। अब उस ऑयल पे मैं दे दूँगी थोड़ा सा बटर। बटर अगर मैं ऐसे दे देता तो थोड़ा जल जाता, तो इसलिए ऑयल पे ही मैंने दे दिया है। अब मेल्ट हो जाए बटर तो उस पे मैं दे दूँगी ऑनियन। ऑनियन थोड़ा गोल्डन फ्राई तक हम लोग इसको भूनेंगे, गोल्डन फ्राई हो जाएगा फिर मैं इसको दे दूँगी 1 चम्मच थोड़ा बड़े बड़े चम्मच का मैदा। तो मैदा को भी हम फ्राई कर लेंगे। आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हो पानी, फिर उसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद मैंने ये
टमाटर और लहसुन को, लहसुन की पेस्ट बनाया था उसको दे दूंगी। तो उसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। थोड़ा फ्राई करने के बाद दे दूंगी गरम दूध। इसको भी थोड़ा नरा चढ़ा के हम दे देंगे पानी, ताकि थोड़ा ग्रेवी ग्रेवी सा हो। और ग्रेवी में हम डालेंगे काले लाल मिर्च, ताकि इसका जो कलर हो और भी अच्छा हो। फिर दे दूंगी चिकन का, जो फ्राई किया हुआ चिकन वो दे दूंगी। फिर नमक, फिर काली मिर्च, ये सब आप टेस्ट के अनुसार दे देना। उसके बाद मैं ढक दूंगी। तो अब आप लोग देख सकते हो इसमें उबाल आ गया, और मेरे हमारा ग्रेवी भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। थिकनेस भी अच्छा है, मतलब एकदम परफेक्ट है। अब मैं इसको गैस से उतार लूँगी, और उसी गैस पे हम चढ़ाएंगे कढ़ाई, क्योंकि अभी हमको बनाना है फ्राइड राइस। फ्रेंड्स, अब बारी है सफाई की, क्योंकि खाना खाना तो हो गया है। अब बारी सफाई की, जो मुझे ही करना पड़ेगा। तो बस सब कर रही हूँ, और रात के लिए मैंने फ्लक्स में भी पानी डाल दिया है, और थोड़े से पानी पे मैं करूँगी गार्गिल, क्योंकि अभी कोरोना के टाइम मैं तो रोज़ ही गार्गिल करती हूँ डर के मारे। आप भी करना। कंप्लीट एकदम क्रीम व्रीम लगा लिया है। अभी सोने जाऊंगी, और डिनर पे जो मैंने बनाया आप भी ट्राई करना, बहुत अच्छा बना था, टेस्टी बना था। थोड़ा यूनिक टाइप का था, मतलब चिली चिकन, चिली पनीर, फिर बहुत सारे जो आइटम है उससे थोड़ा अलग है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आप लोग ट्राई करना। ठीक, भी हम दोनों ही क्रीम लगा लिए हैं, बस अब जाएंगे सोने। तो चलो, गुड नाइट, मिलते हैं फिर किसी और ब्लॉग पे।